वेलकम टू माय न्यू व्लॉग फ्रेंड्स। तो पिछले व्लॉग में आप लोगों ने जैसा कि देखा था कि हमारा मनगढ़ जाने का प्लान बना था, तो इस व्लॉग में हम आपको मनगढ़ भक्ति धाम की टूर कराएंगे, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में बना हुआ है। तो चलिए फिर आपको मनगढ़ का टूर कराते हैं, उसके पहले आप मनगढ़ का एक शॉर्ट व्यू देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, अभी हम लोग भक्ति धाम मनगढ़ पहुँच चुके हैं। भक्ति धाम मनगढ़ के पार्किंग में खड़े हैं और ये रहे पंकज और प्रदीप। तो चलिए फिर चलते हैं मंदिर के अंदर। हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, और ये दोनों भी कहीं रहो तुम। तो चलिए आगे चलते हैं, आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। कुछ इस तरह का रास्ता है आगे जाने के लिए। और मंदिर के अंदर घुसते ही पहला व्यू हमें ये रथ दिखता है, आप लोग देख सकते हैं इसको। आपको सामने से दिखाते हैं रथ। अभी आप लोग मंदिर का व्यू देख सकते हैं, काम कर जाना पहले मंदिर घूम। अभी यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ दूर से ही मंदिर कितनी खूबसूरत लग रही है, तो अंदर जाने पे मंदिर कितनी अच्छी लग रही है। चलिए आपको अंदर चल के भी दिखाते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं मंदिर में और आपको दिखाते हैं। अभी आप लोग सामने से मंदिर का व्यू देख सकते हैं। एक ये मंदिर है, एक ये रही, एक ये रही। ये इधर से हम लोग आए हैं अभी। तो चलिए फिर चलते हैं मंदिर के अंदर। अभी मंदिर के अंदर आ चुके हैं हम लोग। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो अभी हम लोग ऊपर तरफ चलते हैं। ऊपर भी एक मंदिर है इनकी, ये ऊपर। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए उसके अंदर आपको नहीं दिखा पाएंगे। तो अभी हम तीन लोग जा रहे हैं गाय की तरफ, यहाँ पे जो सजावट का सामान है जिसने इस मंदिर की खूबसूरती को बरकरार रखा है। उधर साइड हम लोग देख के आते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए फिर उधर चलते हैं। अब हम लोग इस गेट के अंदर एंटर कर रहे हैं, जहाँ पर आप लोग देखिए गाय वाय बनी है। अब आप लोग वीडियो का मजा लीजिए। अभी आप लोग मंदिर के इस वाले पार्ट को देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर लग रहा है। आपको हम दिखाते हैं ये वाला पार्ट मंदिर का। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे है।
तो ये देखिए यहाँ पर ये सारी मूर्तियाँ नृत्य करते हुए मोटर से बढ़िया कितनी खूबसूरत लग रही हैं। कृष्ण भगवान और राधा जी की रासलीला यहाँ पर दिखाई गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा बनाया गया है मंदिर, हमारे उत्तर प्रदेश की शान कहा जा सकता है इसको। चलिए आपको आगे चलते चलते दिखाते हैं। एक और पार्ट दिखाते हैं, ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, ये देखिए यहाँ पर। और ये वाला पार्ट देख के आप लोग मज़ा लीजिए। मंदिर बंद होने सिर्फ 5 मिनट का टाइम रह गया है, 5 मिनट बाद आपको दिखाते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर किस तरह पानी का प्रयोग किया गया है। और बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाई गई है। चलिए आपको आगे चल के और दिखाते हैं। ये वाली मंदिर आप देखिए, और आपको एक व्यू यहाँ से दिखाते हैं हम। ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इस मंदिर को बनाया गया है। यहाँ पर आप देखिए ये सब कितना, ये सब है आर्टिफिशियल मगर एकदम रियल लगता है देखने में। आप लोग देखिए कि जैसे ही असली पत्थर यहाँ पर लगाए गए हों, मुझे तो पत्थर असली ही लग रहे हैं, पत्थर यहाँ पर असली लगे हैं भाई। बाकी देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, आप देखिए ये देखिए। सबसे अच्छा तो मुझे सांप लगा, अभी सांप की मोटर बंद कर दी गई है, नहीं ये सांप भी हिलता डुलता रहता है। अभी जाते जाते जो है सांप की मोटर इन लोगों ने चला दी है, तो आप लोग देख लीजिए सांप कैसे हिलता डुलता रहता है। तो इसी के साथ अब मंदिर जो है उसका बंद होने टाइम हो गया, हम भी चलते हैं अपने घर की तरफ और आपसे मिलते हैं आगे बाबा ढाबा में। चलिए फिर, बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए बाय बाय।